Hello, in this video I will discuss about the physical form of displacement current and its physical concept. Myself Sushil Kumar, और ये जो video है इसको मैं हिंदी और English दोनों ही language में लेकर चलूँगा. और देखिए अब जो point है कि displacement current हम लोग many times इसको सुनते हैं, लेकिन क्या आप मुझको बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू विजुअलाइज इट कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा होगा? आपके पास में कोई आइडिया? जैसे कि सिंपली अगर मैं बोल दूं कि करंट जो आप डिफाइन करते हैं वो डी क्यू अपॉन डी टी जो रेट है ऑफ चार्ज का उसके थ्रू डिफाइन करते हैं विद निगेटिव साइन दैट इंडिकेट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. तो I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी के थ्रू आप करंट को डिफाइन कर देते हैं. बट डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसी होगी? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि उसका आइडिया क्या है. जैसे कि आप नॉर्मल करंट को ऐसे डिफाइन कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन पर. सबसे पहले कंटिन्यूटी जो इक्वेशन है वो क्या है, और सिंपली इसको मैं आपको बता भी दूंगा इस पॉइंट पे कि इसको कैसे ड्राइव करते हैं. तो सबसे पहले मानकर चलिए कि आपके पास में सपोज किया ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम V है और जिसमें जो है I करंट फ्लो कर रही है. यहाँ जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको मैं डिफाइन कर दूं कि वो रो है, और जो सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का कंडक्टर का वो S है. तो S जो है वो कुछ इस टाइप से आपको देख सकते हैं. और इस पॉइंट पर जो ये एंड है करंट डेंसिटी आई एज्यूम कि वो जे है, राइट. तो ये कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए. रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, आई ये करंट इसके अंदर जो फ्लो करता है, एस ये आपका जो फ्रंट एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस पर जो परपेंडिकुलर है दैट इंडिकेट टू दी वेक्टर एस, और करंट डेंसिटी यहां पर जो है वो है आपकी वेक्टर जे. अब क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव करना है जिसका सिंपली रिजल्ट हम लोग लिखते हैं. अगर मैं पहले ही रिजल्ट आपको बता दूं तो इक्वेशन है डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस डाइवर्जेंस ऑफ जे कैन बी रिटन एज इन दिस वे आल्सो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, राइट. सो ये तो हुआ आपका जो रिजल्ट है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का. लेकिन अगर आपको इसको ड्राइव करना है रिजल्ट को तो कैसे ड्राइव करेंगे? तो आइडिया ये है कि आपको यहाँ पर करंट को डिफाइन करना है. सबसे पहले आप करंट डिफाइन कर दीजिए I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस या जे डॉट एस भी लिख देंगे, लेकिन उस टाइम ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल हम लोग यूज नहीं कर सकते. तो आई एम यूजिंग सरफेस इंटीग्रल, दैट्स वाई आई हैव टू राइट हियर डॉट डी एस, बिकॉज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू एस, राइट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन. एंड एट नंबर टू आई that current which is flowing into this conductor can be defined in terms of the same dq upon dt, but here the point is I have to define charge, normal charge in terms of the rho. So one can write q is equal to volume integral rho dv, q is equal to rho into v. So instead of this q one can write here cap, this q does not matter, here I am using this capital Q. So minus d upon dt and volume integral of this rho dv. So now this is also current inside the conductor, this is also current in terms of the current density and the surface integral.
So now comparing these two equations, so it is equal to closed surface integral j dot ds is equal to minus d upon dt volume integral rho dv. और अभी मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि आई विल यूज हियर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा आपका डिफरेंशियल फॉर्म में और ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डीटी और ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो आपने लिखा है रो डीवी. ये अभी जो भी कुछ मैं आप बोल रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जो जिनको आइडिया है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे यूज करते हैं, तो दे विल नॉट फेस द प्रॉब्लम. बट इफ समवन इज वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम एंड डोंट नो अबाउट दी कि भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है. तो प्लीज कीप वॉचिंग अर्लियर वीडियो. एंड नाउ हम क्या करेंगे कि भाई इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे तो दैट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म डाइवर्जेंस ऑफ जे और ये माइनस डी अपॉन डी टी और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी वी. तो अब आप ये बताइए ये टाइम डेरिवेटिव है किसका होगा, रो का या वी का? यहाँ पर क्या चीज वेरिएबल है इन दिस कंडक्टर? ये वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वेरिएबल है या यहां पर चार्ज डेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है? राइट, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ आएगा. सो जब हम इधर लेकर आएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा प्लस. सो डी रो अपॉन डी टी एंड दिस डी वी इज इक्वल टू जीरो. अब कंक्लूजन ये है कि ये जो टोटल टर्म है वो इक्वल टू जीरो है और इसमें दो फैक्टर हैं, एक आपका ये टर्म और दूसरा वॉल्यूम. या तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जीरो है या ये फिर सम ऑफ दैट पार्ट इज इक्वल टू जीरो. तो वॉल्यूम तो यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता अभी फर्स्ट पॉइंट पे. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है डाइवर्जेंस डॉट जे डी रो अपॉन डी टी इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे और वो इक्वेशन ये है जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं. और इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन डी टी है, दैट इंडिकेट डाइवर्जेंस ऑफ जे का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कोई वेक्टर फील्ड है और वो है करंट डेंसिटी की पावर में. इस पॉइंट पे जब आपने मेजर किया तो आप ये बोलते हैं कि जो टोटल करंट फ्लो हुआ है इनसाइड इस दिस कंडक्टर इसके थ्रू वो कितना है, उसको आपने बताया कि वो आपका रेट है ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बट नेगेटिव साइन के साथ में है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट फ्लो करेगा तो वो चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा इनसाइड द कंडक्टर. बट वी नो कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो दिस इज द आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर चार्ज कंजर्वेशन को शो करती है. अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या मैंने आपको बताया कि आई जो करंट फ्लो कर रही है वो किस नेचर की है? नेचर मींस कि वो डीसी करंट है या एसी करंट है, तो ये तो नहीं बताया. इफ सपोज करंट इज डीसी तब क्या होगा? तब अगर करंट यहाँ पर स्टेडी स्टेट टाइप की होगी तो आप बताएं कि तब इस कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी. डाइवर्जेंस डॉट जे इज इक्वल टू जीरो होगा या डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा? यस, द सेकेंड पॉइंट इज ट्रू एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट वन कैन से दैट डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू जीरो. ये बात मैं आपको कैसे बोल रहा हूं, मैं जैसे अभी आपको बता चुका हूं कि करंट की नेचर अभी तक नहीं बताई थी, लेकिन अगर अब बता दें कि वो डीसी है या एसी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ डीसी यू नो देयर इज नो वेरिएशन इनटू द करंट.
मीन्स कि भाई चार्ज जो है टाइम के साथ में घटता बढ़ता नहीं है, उसका रेशो रिमेन कांस्टेंट, तभी तो उसको स्टेडी स्टेट करंट बोलते हैं, तभी तो उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं कि वो करंट जो है वो डायरेक्ट चलती है, सीधा चलती है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, लाइक दिस साइन वेव। तो अभी साइन वेव क्या है, वो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन उसका तो डिस्कशन में पॉइंट नहीं आया, तो मैं अभी सबसे पहले डायरेक्ट करंट को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट करंट में क्या हुआ भाई, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी जो है वो कांस्टेंट हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट टाइम डेरिवेटिव ऑफ इट इज इक्वल टू जीरो। सो डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस ऑफ जे बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इफ यू रिमेम्बर, जब आप लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर को स्टडी किया होगा, डाइवर्जेंस जे जीरो कब होगा, जब वो कोई भी फील्ड सोलेनोइडल होगा। इट मीन्स जो करंट यहाँ पर एंटर हुआ है जितने अमाउंट के साथ में, उतना ही करंट आपको यहाँ मिला है। तो टोटल करंट डेंसिटी एट दिस एंड एंड एट दिस एंड आर इक्वल, इट मीन्स ये है। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब यहाँ पर करंट के अंदर कोई वेरिएशन ना आया हो। और इसका मतलब ये भी होगा, जब कहीं कभी आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू कैन से कि जो सोर्स है ऑफ करंट, दैट इज ऑफ स्टेडी स्टेट, कि भाई वो स्टेडी स्टेट टाइप की करंट है, वो डीसी करंट है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप ये आइडिया, ये कंसेप्ट माइंड में रखिए, और इसको मैं अभी नेक्स्ट जो है पार्ट इसका, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ में जोड़ता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना आप भूलिएगा मत, और इसके कंसेप्ट के साथ में ही सेकेंड वीडियो है।